रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा के व्यापार मंडल अध्यक्ष से हुई झड़प, वीडियो वायरल। चुरू जिले के रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा का व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गुरुवार 14 नवंबर का बताया जा रहा है, जब रतनगढ़ के बाजार में दुकानों में आग लग गई थी और व्यापार मंडल अध्यक्ष गजेंद्र की अगुवाई में कस्बे के व्यापारी धरना प्रदर्शन के लिए गए थे। यहां जब व्यापारी अपनी बात विधायक पूसाराम गोदारा के सामने रख रहे थे, तभी विधायक गोदारा यह कहते हुए भड़क गए कि प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेस का, विधायक कांग्रेस का और चूरू सांसद भी कांग्रेस का, फिर भी नगर पालिका की दमकलें खराब पड़ी है। व्यापार मंडल अध्यक्ष का इतना कहने के बाद विधायक पूसाराम गोदारा भड़क गए और कहने लगे कि उनकी सरकार नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। झड़प के दौरान विधायक गोदारा ने व्यापार मंडल अध्यक्ष को धक्का भी दे दिया। गोदारा ने कहा कि हमारा राज होता तो कलेक्टर और SDM यहां मिलते, मेरे चुनाव में क्या नगर पालिका मेरे साथ खड़ी थी? कुछ नहीं हो सकता। दरअसल कल गुरुवार को रतनगढ़ बाजार की एक दुकान में आग लगी थी, लेकिन नगर पालिका की दमकलें खराब होने की वजह से आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका, जिससे 3 दुकानें आग की चपेट में आ गई और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कि नगर पालिका चेयरमैन से लेकर नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेस के, विधायक कांग्रेस और एमपी कांग्रेस, उसके बाद में ये बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, व्यवस्था क्यों नहीं बैठ पा रही है? सुन लो, व्यापारियों की सुध लेने के लिए हमें लड़ना क्यों पड़ रहा है? आपको लड़ना पड़ेगा, राज नहीं मेरा, ये हो गई आज हमारी, सुन लो, मेरा राज नहीं है, सुन लो, अगर मेरा राज और मैं MLA हूं ना, SDM कलेक्ट्रेट ला दे, राज का मालिक है, नहीं दूसरे काम में लग रहा है, ये स्थिति है कि हमें 1 बजे एक नहीं कह सकते, उसके बाद में मेरी बात से हो, कोई कांग्रेस नीचे चले के ऊपर तक सारे लेवल है, वो कितनी दिन हो रखी है, रुको, मैटर नहीं है, आज नहीं है,